Hey guys, this is Ujjal Kumar Sen and you are watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज के टॉपिक हमारा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी. इस पर वीडियो बनाने का मेरा कोई फिलहाल प्लान नहीं था, बट लास्ट 7 डेज में कम से कम मेरे पास इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 20-30 बार आ चुका है मेरे पास मैसेज देखिए बायोटेक्नोलॉजी. तो मैंने भी भाई साहब जितना मेरे पास रिक्वेस्ट है उतना मैं क्या करता हूँ, एफर्ट डालता हूँ अच्छा अच्छा डेटा निकालने का, ताकि आपको मैं सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. राइट, तो सो ये शुरू करते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी पहली बात, एडमिशन प्रोसेस सारे पूछेंगे. राइट, तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है? पीसीएम और बी, मतलब मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना चाहिए. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अगर मेरा बायोलॉजी है क्या मुझे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, आपको 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा जो मैंने देखा है. राइट, मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा आपको. अच्छा, आपको आगे मैथमेटिक्स का रोल भी मिलेगा आपको, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है? रिसर्च ओरिएंटेड है. राइट, मतलब क्या है? आप टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च साथ में ले सकते हो. तो इसमें जब भी टेक्नोलॉजी आता है ना और साथ में रिसर्च आता है, मैथमेटिक्स का रोल तो रहता है, ये आप समझ लीजिए. तो मैथमेटिक्स से बचने का एक ही तरीका है भाई साहब, वो क्या है, जो मैंने एनालिसिस खुद किया है. बिकॉज इन क्लास 6 और 7 आई वॉज वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स, और जब तक मैं 10th में आया वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था मैथमेटिक्स, और सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था मेरे जितने सब्जेक्ट थे. क्यों हुआ था? जो मैंने प्रोसेस को देखा कि मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था. तो मैथमेटिक्स किस तरह का सब्जेक्ट है? प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, राइट, आपका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स वीक हो जाएगा. तो सिर्फ एक क्या है भाई साहब, प्रैक्टिस. उसमें टाइम देना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट तो लगेगा. राइट, सो एडमिशन कैसे होता है भाई साहब? देखिए, एडमिशन जहाँ लेना है उस हिसाब से काम है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं. राइट, तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्या चीज़, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, पहले देखो कॉलेज कितना पुराना है, कौन कौन से कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, कितना हाईएस्ट पैकेज गया था, कितना मिनिमम पैकेज गया था, कितने बच्चे उस क्लास में हैं, आपके सीनियर कितने बच्चे होते हैं. बिकॉज बहुत सारे कॉलेज में बस 15 बच्चे ही होते हैं. तो उस तरह कॉलेज में अगर एडमिशन लोगे भैया तो आपको प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज कंपनीज आ नहीं है. 10-15 बच्चे लिए कंपनी कभी आती नहीं है. कंपनीज बच्चे भी देखती है, कॉलेज भी देखती है, कितना मतलब मैनेजमेंट देखती है, बहुत कुछ देखती है, फिर कंपनी आती है. राइट, तो आप एक बार पता करें इसके बारे में, हर कॉलेज के बारे में, बिकॉज हर कॉलेज का इंफॉर्मेशन नेट से, किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन नेट से आप निकाल नहीं सकते हो, ये आपको लोकल पता करना पड़ेगा. तो मैं बोलूँगा भाई साहब नेट पर देखो इंफॉर्मेशन, लेकिन कंफर्म करो खुद जाके अगर जा सकते हैं. नहीं जा सकते हो फिलहाल करेंट सिनेरियो में, तो आप पता करो जहां पर बंदा वहां से कोई पढ़ा हुआ है या फिर आसपास कोई रहता है, जितना पता कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना फील हो कि मैंने पता कराया नहीं और ये मेरा दुर्दशा हो रहा है. अब बहुत सारे साथ हो चुका है, बहुत सारे साथ हो रहा है. सो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हुआ है सर मैं तो फंस गया ऐसे बोलते हैं. तो मैंने चलो आप तो फंस गए हैं, लेकिन बाकी बच्चों को मैं फंसने नहीं दूंगा, खुला बोल दूंगा एक चीज. राइट, हालांकि बहुत जगह फंसते हैं पहले शाइनी लगता है, जैसे घुसते हैं तो लगता है वो भाई साहब कहाँ मैं आ गया. तो मैं पहले खोल के रख दूंगा सब चीज़, हालांकि कुछ और नया ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, डोंट वरी. सो ये तो भाई साहब एडमिशन प्रोसेस था. तो एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस से भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है परसेंटेज बेसिस पर. राइट, अच्छा अब गाइस बात करते हैं भाई साहब स्कोप इन इंडिया. जब स्कोप की बात करता हूँ इंडिया में भाई साहब, तो आपको बोलूँगा देखिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे पार्ट आते हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का. इंडिया में जो फिलहाल इंडस्ट्री का वर्थ कितना है, जो आपका 2019 और 20 में लगभग 70 के आसपास $70 बिलियन का है. $1 बिलियन मतलब क्या होता है आपका 1000 मिलियन, और 1 मिलियन मतलब क्या होता है रुपीस में कन्वर्ट करेंगे कितना होता है भाई साहब 7.34 जितना भी है 7 करोड़ बोल सकता हूँ मैं. तो इतना वर्थ है फिलहाल इतना, और 2024-25 तक कितना हो जाएगा 150 बिलियन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, वहाँ से मैंने उठाया डेटा. तो मतलब क्या है, ग्रोथ रेट देख सकते हो डबल से ज्यादा हो रहा है 4 साल में. मतलब क्या है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है, लेकिन यहां पर और एक बात है जो अक्सर हम मिस करते हैं. इसमें भाई साहब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रोल काफी ज्यादा है, उनका जो परसेंटेज है काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी. मतलब सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में एक बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें होते हैं. राइट, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आता है, बायो साइंस आता है, बीएससी वाले ही पढ़ते हैं. राइट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर बी फार्मा भी इसमें आया था बायो वाले में. राइट, तो फार्मास्यूटिकल जो है उसमें इसका जो परसेंटेज है टोटल में से काफी ज्यादा है, पहला डेटा. नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई साहब इसमें जो इस फील्ड में हमारे पास वर्ल्ड का रैंकिंग इंडिया कितना है भाई साहब 12 है फिलहाल वर्ल्ड में, और एशिया पैसिफिक रीजन में कितना भाई साहब 3rd पोजिशन पर है इंडिया. तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे हिसाब से इससे हम काफी बेटर कर सकते हैं. राइट, वर्ल्ड में हम
थर्ड फोर्थ पोजीशन में आराम से आ सकते हैं चाहे तो। उसके लिए भाई साहब हमें मेहनत करना पड़ेगा, कोई और करके देगा नहीं। हमें भाई साहब अपने अंदर से आना चाहिए कि हमें करना है, अपने कंट्री को आगे लेके जाना है, कोई और करके नहीं देगा। किसी और के भरोसे क्यों बैठना है, खुद करेंगे ना। अच्छा नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CAGR इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है भाई साहब, 30% बाई 2022-24-25 में 30% राइट। तो दैट्स रियली अमेजिंग, काफी शानदार है। स्कोप मतलब क्या है, काफी तगड़ा है, अच्छा स्कोप है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक स्कोप में और एक कहानी बताऊंगा आपको सैलरी पर, राइट। बिकॉज अक्सर हम मेजर क्या करते हैं, कोई भी बंदे का सक्सेस कितना पैसा वो कमाता है। तो ये जरूर बताऊंगा आपको, ये ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, अक्सर मिस करते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगा इसका एक्सपीरियंस होने के बाद भी और फ्रेशर भी, मतलब आप पहला जॉब लेने जा रहे हो तब भी, अगर छोटे ग्रुप मतलब क्या डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, सब चीज बताऊंगा आपको, ध्यान सुनिएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। देखिए प्राइवेट जॉब्स तो है, गवर्नमेंट जॉब्स भी है। अब जैसे आप बीटेक कंप्लीट करते हो मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, अगर मान लो आपको लगा कि मेरे को इस फील्ड में काम नहीं करना है, तो आप जनरल जॉब्स के लिए एपीआर हो सकते हैं, लाइक स्टेट पीएससी, उसके बाद यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे बतरे जो नौकरियां निकलते हैं। ये तो हो गया भाई साहब सिर्फ ग्रेजुएट बेस पर। बायोटेक्नोलॉजी के बेस पर भाई साहब आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, राइट। आप सुने होंगे अक्सर न्यूज में आता है फॉरेंसिक वाले आए हैं भाई, जांच कर रहे हैं सीबीआई में जो है, राइट। तो उसमें जा सकते हैं, और ऐसे सीजीएल से भी बहुत टाइम क्या होता है उस तरह का डिपार्टमेंट हम जा सकते हैं, आपका जो टेक्निकल थोड़ा सा होता है वो उस जा सकते हैं। इनका अलग से रिक्रूटमेंट भी होता है, और इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, और उनके टाइम के साथ साथ वैकेंसीज आता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी और परमानेंट बेस पे भी आता है। प्राइवेट की बात करेंगे, देखो भाई साहब मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, आउट ऑफ जितने भी बंदे हैं सिर्फ 1-2% लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिकॉज इतना जॉब ही है यार, बाकी सब प्राइवेट्स में काम करते हैं, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं और बहुत सारे इनके क्या भाई साहब सेक्टर्स है, बट बहुत से सेक्टर्स में एक सबसे बड़ा सेक्टर हमारा क्या भाई साहब वो है आपका वैक्सीन का सेक्टर है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे वैक्सीन लगभग बनाया जाता है, और इसलिए आपने सुना होगा कोरोना के जो वैक्सीन बना रहे हैं इंडिया के किसी ना किसी कंपनी टाई अप कर रहे हैं, बिकॉज मास प्रोडक्शन के लिए इंडिया के मतलब इंडिया के कंपनीज का उनका रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है बट इतना बहुत अच्छा नहीं है अभी, लेकिन और करना हमें बचा हुआ है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम और कर भी रहे हैं शायद, राइट। बिकॉज शायद क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें डाउट है। डाउट क्या है, लोग हमेशा क्या करते हैं अपना खुद का सोचते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है। आपको थोड़ा ओवरऑल सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप अकेले अच्छे लाइफ जी नहीं सकते हो अगर आपके पड़ोसी अच्छे लाइफ नहीं जी रहे हैं। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाने के लिए सब क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। खुद को इम्प्रूव करेंगे तो भाई साहब हम दूसरों को हेल्प करेंगे फिर इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो इसीलिए भाई साहब क्या है, हमें उस पर और एफर्ट डालने की जरूरत है, प्लस गवर्नमेंट को भी भाई साहब इसमें और मतलब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का किसी भी सेंट्रल का हो, गवर्नमेंट पे से फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के लिए, खास करके बिकॉज हमारे पास इतने पॉपुलेशन है, राइट। और पॉपुलेशन कंट्रोल करो भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है। चलो अब गाइस हम बात करेंगे इसके बारे में, सैलरी के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स आपको बताऊंगा, क्या बोनस टिप्स देने वाला हूं, ध्यान सुनना। सैलरी मेनली डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर, जो मैंने अब तक देखा है 10-11 साल में जब से मैं ऑब्जर्व करना शुरू करा, और 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई विल टीच यू माय आई विल टेल यू अबाउट दिस। पहला वाइज सैलरी एज ए फ्रेशर डिपेंड करता है कॉलेज पर, आप पर, मार्केट पर, मार्केट कंडीशन कैसा है। हालांकि इसका मार्केट कभी ख़राब हो नहीं सकता, अच्छा ही होगा, बिकॉज लोग तो बीमार पड़ेंगे भाई, और इंडिया ऐसे कंट्री में और बीमार पड़ेंगे बिकॉज इतने पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा घिचपीस है, थोड़ा सा इसमें हमें काम करना चाहिए खासकर पोल्यूशन लेवल पर। नेक्स्ट भाई साहब क्या हो गया मार्केट, और क्या भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई साहब कंपनी, कंपनी का क्या पेइंग कैपेसिटी है, मतलब कितना पैसा पे कर सकते हैं। ये चार फैक्टर्स पर आपके सैलरी डिपेंड करता है एज ए फ्रेशर। After 5 years of experience, सिर्फ एक फैक्टर है, वो क्या भाई साहब आप। मेजोरिटी ऑफ द टाइम भाई साहब किस पर डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट चीजें और भी हैं थोड़ा बहुत, बट जो मेजोरिटी है किस पर डिपेंड करेगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या आता है, आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, राइट। हर तरह कैपेबिलिटी, कंट्रोलिंग, थिंकिंग, प्रेशर हैंडलिंग, तो आपके पास उस पर डिपेंड करेगा फिर सैलरी। इसलिए आपने सुना होगा छोटे कॉलेज से पढ़ा था इतना बड़ा पोस्ट पहुंच जाएगा, बिकॉज उसने अपने आप पर काम करा, 5 साल के बाद फिर आप अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, राइट। सो बोनस टिप्स हम बात करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी माय डियर, इवन फॉर यू, राइट। भाई सब देखो बोनस टिप्स क्या है,
अक्सर मुझे बोलते हैं सर मुझे बताओ बाकी सब छोड़ो, मेरा इंटरेस्ट मैं सब खोलूंगा, मुझे पैसे बताओ कहां से आएगा। भाई साहब पैसा आता सिर्फ एक चीज से, ओली कहता हूं मैं, पावर भी इसी से ही आता है, बिजनेस। सो आफ्टर गेटिंग 5 इयर्स एक्सपीरियंस माय डियर, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और बिजनेस शुरू करने का सबसे आइडियल टाइम कब होता है, 25 साल की उम्र, 25 से 30 साल या 35 साल, उसके बाद भाई साहब बंदे का जो कैपेबिलिटी होता है धीरे धीरे डाउन होता है। हालांकि बहुत सारे बोलते हैं बिजनेस करने कोई उम्र नहीं होता है, कुछ करने कोई उम्र नहीं होता, लेकिन फर्क तो पड़ता है, कुछ ही बोलो आप, राइट। तो बिजनेस अगर आप करेंगे आपके पास पावर भी आएगा, पैसे भी आएगा, लेकिन बिजनेस करने से पहले भाई साहब क्या करिए, एक्सपीरियंस लीजिए 5 साल, ताकि आप डिसिप्लिन हो जाए, खुद अपने आप को एक आर्मी तरह बना लो, जो इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लो, फिजिकली मेंटली एंड फाइनेंशियली 5 साल के अंदर, ताकि आप उसमें काम कर पाएं। और आजकल सबसे बड़ी बात क्या है, बिजनेस शुरू करने के लिए भाई साहब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बिजनेस के आइडिया में दम होना चाहिए, पैसा कोई ना कोई आपको, मतलब इन्वेस्टर्स बहुत हैं आप पर पैसे लगाने के लिए, बस आप तैयार रहना अपने आइडिया को लेके बढ़िया तरीके से, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर माई लाइव सेशन, आई यूजली कम, बट कोई फिक्स टाइम टीम होता है बिकॉज बहुत काम होते हैं यार, इसलिए हर टाइम जब टाइम मिलता है मैं आता हूँ शाम को मोस्ट प्रोबेबली, खासकर जब छत पे होता हूँ मैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।